डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल निमीजनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम लॉजिकल रीजनिंग में टाइप ऑफ डेफिनेशन करने वाले हैं। ये वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें हम आपको लाइव प्रूफ के साथ क्वेश्चन दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इसमें से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआर चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है। हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स क्योंकि निमीजनेट है तो जीआरएफ है। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ डेफिनेशन में से आज तक कब कब क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए, ये हमारा जून 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था और यहाँ पे हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद दिसंबर 2012 के अंदर क्वेश्चन आया था और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के बारे में हम पूरे डिटेल से पढ़ेंगे आगे वीडियो में। पहले हम देख लेते हैं कि कब कब क्वेश्चन आए हैं। फिर जून 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है टाइप ऑफ डेफिनेशन में से, और फिर हमारा दिसंबर 2015 में क्वेश्चन आया है, और उसके बाद में अगस्त 2016 में इसमें से क्वेश्चन आया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन क्या होती है और इसके कितने तरह के टाइप होते हैं। डेफिनेशन करने से पहले दोस्तों हमें ये पता होना चाहिए, ये जो दो टर्म है इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली टर्म है डेफिनेंडम, इसका मतलब है दोस्तों जिस टर्म को हमें डिफाइन करना हो उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेंडम कहते हैं। और जिस टर्म को डिफाइन करके बताया जाता है, यानी कि ये क्या है, टर्म को डिफाइन करके बताना वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है डेफिनेंस कहलाता है। तो ये जो मुख्य जो चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। और उसके बाद है दोस्तों हमारा टाइप ऑफ डेफिनेशन, डेफिनेशन कितनी तरह की होती है लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है दोस्तों वो है हमारे पास लॉजिकल डेफिनेशन आती है, और अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका नाम होता है कोष विषयक या पद संबंधी परिभाषा भी कहा जाता है। और एक बात दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको जैसे कि UGC नेट या JRF क्वालिफाई करना है तो आपको इंग्लिश और हिंदी में चीज़ें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी के अंदर काफ़ी नाम ऐसे होते हैं जो हमें कन्फ्यूज़ कर देते हैं, हमें पता नहीं चलता, इसलिए हमें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। और चलिए अब हम देखते हैं कि क्या मतलब है लॉजिकल डेफिनेशन का। ऐसी परिभाषा जिसका मीनिंग डिक्शनरी में दिया हुआ हो, यानी कि ऐसी कोई भी डेफिनेशन जो डिक्शनरी में हो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेफिनेशन कहते हैं। और इसके अंदर कुछ बातें होती है, ये हमें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि यह या तो सही होगी या फिर गलत होगी, यानी कि डिक्शनरी के अंदर दिया हुआ होगा तो उसमें पूरा हम कह सकते हैं कि एक प्रूफ होगा, या तो वो सही होगी या फिर वो गलत होगी, उसके अंदर सही तरीके से डिफाइन किया हुआ होगा उसमें। और ये या तो सच होगी या फिर झूठ होगी, यानी कि इसके अंदर दोनों बातें होगी, या तो ये सही होगी या गलत होगी, या सच होगी या झूठ होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इसी तरीके से पूछा जाता है कि एक ऐसी डेफिनेशन जो या तो सही है या गलत है उसे किस तरह की डेफिनेशन हम कहेंगे। और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसमें पढ़ सकते हैं। और ये इसमें क्या होता है दोस्तों, एक और चीज़, यह अस्पष्टता को ख़त्म करने के उद्देश्य को भी पूरा करता है, यानी कि इससे क्या होता है दोस्तों, ये इससे हमारा जो कन्फ्यूज़न होता है वो दूर हो जाता है। हम डिक्शनरी में देख लेते हैं भाई इस चीज़ का क्या मीनिंग है, उससे हमें मोटा मोटा पता चल जाता है कि किसका क्या मतलब, यानी कि काफ़ी हद तक हमारा जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सकता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे ये दिया है, पुस्तक है, पेन है, चेयर है, और भी काफ़ी तरह की चीज़ें हैं जो डिक्शनरी में दी हुई होती है। अब ये देखिए दोस्तों, लॉजिकल डेफिनेशन में से एक क्वेश्चन पहले आया है, ये क्वेश्चन देखते हैं। जब परिभाषा का उद्देश्य उपयोग को स्पष्ट करना या अस्पष्टता अथवा संशय दूर करना हो तो ऐसी परिभाषा कहलाती है। अब देखिए दोस्तों, अभी यही बात हमने की थी ना कि ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर अस्पष्टता ख़त्म होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल डेफिनेशन कहते हैं। और यही बात इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर पूछी हुई है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा शाब्दिक परिभाषा, यानी कि लॉजिकल डेफिनेशन।
यहाँ पे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो लॉजिकल डेफिनेशन होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हमें इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में है इसका मतलब स्वनिर्दिष्ट, यानी कि ऐसी परिभाषा जो हम खुद बनाते अपनी तरफ से ईजाद करते हैं, उसे हम कहते हैं स्टिपुलेटिव डेफिनेशन या स्वनिर्दिष्ट परिभाषा कहते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, यानी किसी टर्म को अपनी ओर से कोई नई परिभाषा देना जिसका अर्थ डिक्शनरी में ना दिया हो, यानी कि ऐसी परिभाषा या ऐसी टर्म जो हमें डिक्शनरी में ना मिले और उसे हम अपने आप खुद बनाएं। जैसे कि आजकल आपने काफ़ी चीज़ देखी होगी, जैसे गुड मॉर्निंग के लिए हम जी एम लिख देते हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो उसका जी एम का अगर देखोगे तो डिक्शनरी में कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से ये चीज़ बना देते हैं। और भी जैसे सेल्फी हो गया, इमोजी हो गया, और जैसे चैट के अंदर एफ आर एन डी फ्रेंड लिख देते हैं, गुड नाइट लिख देते हैं, प्लीज़ ई टी सी, इस तरीके से काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, टर्म है जो हम अपनी तरह से यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं हम स्टिपुलेटिव डेफिनेशन या स्वनिर्दिष्ट परिभाषा कहते हैं। यानी कि ऐसी परिभाषा दोस्तों जिसका डिक्शनरी में कोई अस्तित्व नहीं है या नहीं था। और इसके अंदर जो खास बात है दोस्तों वो याद रखने वाली ये है, इस तरह की परिभाषा को अस्वीकार किया जा सकता है, यह रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन इसे सत्य या असत्य साबित नहीं कर सकते क्योंकि इसका अस्तित्व डिक्शनरी में नहीं दिया हुआ होता। तो इसमें जो खास बात याद रखनी है वो ये है दोस्तों, इसे अस्वीकार किया जा सकता है, यानी कि इसे रिजेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए जैसे हमने कहा कि एफ आर एन डी फ्रेंड, तो इसे हम रिजेक्ट कर सकते हैं, भाई एफ आर एन डी का मतलब थोड़ी ना होता है फ्रेंड, ये तो आपने ऐसे ही बनाई है, तो इसे क्या है कि रिजेक्ट किया जा सकता है, और इसे हम सत्य या असत्य साबित नहीं कर सकते, हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते कि एफ आर एन डी है जो फ्रेंड वो फ्रेंड ही मतलब होता है या नहीं होता, क्योंकि इसका जो प्रूफ है दोस्तों वो हमें डिक्शनरी के अंदर नहीं है। अब देखिए किसी भी चीज़ को सत्य या असत्य साबित करने के लिए हमारे पास दूसरा अल्टरनेटिव प्रूफ होना चाहिए। तो जो हमारी ये जो होती है दोस्तों हमारी स्टिपुलेटिव डेफिनेशन, इसके अंदर हम इसको ना ही तो सत्य और ना ही असत्य साबित कर सकते। अब देखिए दोस्तों इसमें से जो क्वेश्चन आया है, एक स्वनिर्मित परिभाषा होती है सदैव सत्य सदैव असत्य, कभी सत्य कभी असत्य, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो डी, न सत्य और न ही असत्य, और यही बात हमने इसके अंदर पढ़ी थी। तो दोस्तों इस तरीके से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी में पढ़ सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना दोस्तों ये वही क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले आपको बताए थे, जैसे दिसंबर 2013 में आ लिए, जैसे दिसंबर 2015 में आ लिए, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये। और आगे हम देखते हैं दोस्तों, आगे है हमारे पास एक और इसमें से क्वेश्चन आया है, अर्थपूर्ण परिभाषा जिसे सोच समझ कर कुछ प्रतीकों के लिए निर्दिष्ट किया जाता वह कहलाता है, इसे क्या कहेंगे, स्वनिर्मित परिभाषा, यानी कि ऐसी परिभाषा जिसे कुछ सोच समझकर कुछ प्रतीकों के लिए हम डिफाइन करते, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्वनिर्मित परिभाषा कहते हैं। अभी जैसे वो था ना गुड नाइट के लिए जी डी लिख देते हैं गुड नाइट, तो ये हमने अपनी सहूलियत के लिए ये बनाया है। और आगे दोस्तों हमारे पास आगे है प्रिसाइजिंग डेफिनेशन। अब देखिए ये डेफिनेशन क्या होती है, इसके अंदर हम देखते हैं, इस तरह की परिभाषा का उद्देश्य किसी शब्द को अच्छे से परिभाषित करना होता है, क्योंकि एक शब्द का अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ हो सकता है। जैसे कोई सरकार किसी व्यक्ति को गरीब कहने के लिए उसको आर्थिक मापदंड से परिभाषित करती है। अब देखिए ये जो हमारी प्रिसाइजिंग डेफिनेशन होती है, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाता है। अब देखिए दोस्तों काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनका अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मतलब निकलता है। अब देखिए जैसे हम नॉर्मल भाषा में कह देते हैं भाई मैं तो यार बहुत गरीब हूँ, और अमीर आदमी है वो भी नॉर्मली कह देता कि मैं यार बहुत गरीब हूँ, लेकिन जो सरकार है सरकार अपने मापदंड के अनुसार डिसाइड करेगी कि कौन गरीब है और कौन अमीर है, तो इस तरह की जो परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं प्रिसाइजिंग डेफिनेशन कहते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास पर्सुएसिव डेफिनेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, विश्वासोत्पादक या प्रेरक,
यानी कि ऐसी कोई परिभाषा जिसको हम अपनी भावना में बहकर बनाते हैं, यानी कि जिसको हम अपनी तरफ से एक अलग ही रूप दे देते हैं, ऐसी परिभाषा को पर्सुएसिव डेफिनेशन कहते हैं या फिर विश्वासोत्पादक परिभाषा कहते हैं। देखिए इसके अंदर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन एक कलाकार है लेकिन लोग उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहकर बुलाते हैं। अब देखिए जो अमिताभ बच्चन है वो रियल मायने में क्या है, एक कलाकार है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि वो कलाकार नहीं है, वो तो बॉलीवुड के शहंशाह है, बॉलीवुड के बहुत बड़े बाप है या कुछ भी उसे हम कह सकते हैं। और इसी तरीके से जैसे सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, रियल मायने में सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर है, लेकिन लोग भावना में बहकर क्या कहेंगे, सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर नहीं है, वह क्रिकेट के भगवान है। यानी कि दोस्तों किसी भी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रीशिएसिव डेफिनेशन कहते हैं। और इसमें से एक क्वेश्चन आया दोस्तों, ये देखिए ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिभाषा की प्रकृति निर्धारित कीजिए, भ्रूण हत्या का अर्थ निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या है। अब देखिए अगर हम भ्रूण हत्या का डिक्शनरी के अंदर मीनिंग देखें तो उसके अंदर क्या होगा कि जो पेट के अंदर बच्चा मार दिया जाता है उसे हम भ्रूण हत्या कहते हैं, कोख के अंदर जो बच्चा मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने भावना में बहकर ये डेफिनेशन बना दी, यानी कि निर्मम लोगों की हत्या। अब देखिए निर्मम लोगों की, अब सभी जो बच्चा है वो तो काफ़ी छोटा है, उसने तो जन्म ही नहीं लिया, तो वो अभी लोग यानी कि बड़ा आदमी तो नहीं बना ना। तो ये जो डेफिनेशन है दोस्तों ये हमने अपनी तरफ से बनाई है भावना में बहकर, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, विश्वासोत्पादक डेफिनेशन कहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से डेफिनेशन कर सकते हैं, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी तरह से कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे दोस्तों हमारे पास थ्योरेटिकल डेफिनेशन। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस तरह की परिभाषा में हम किसी भी वस्तु चीज़ को वैज्ञानिक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारे पास कई चीज़ें हो सकती है जिनको हम नॉर्मल परिभाषा में कुछ कहें, वैज्ञानिक तरीके से कुछ कहेंगे, और सामाजिक तरीके से उसको हम कुछ और कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे जल को हम सामान्य भाषा में पानी कहते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से उसको हम H2O कहेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से यानी कि ऐसी कोई भी परिभाषा जिसको हम साइंटिफिक रूप से डिफाइन करें तो उसे हम क्या कहेंगे, थ्योरेटिकल डेफिनेशन उसे कहा जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सभी डेफिनेशन है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टाइप ऑफ डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ आपको सभी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर किसी भी दोस्त का कोई सवाल जवाब है तो वह आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। दोस्तों अगर आपको नेट और जीआरएस चाहिए तो हमारा पेड कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। इसमें हम आपको क्या देने वाले हैं, नंबर एक 2022 के न्यू अपडेटेड नोट्स देंगे, नंबर दो 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में देंगे, नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर 2020 तक सभी शिफ्ट के यूनिट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज के अलावा आपको सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी देंगे। आज तक जैसे जो भी टाइप ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, हाइपोथेसिस के अलग है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से जो भी क्वेश्चन आ चुके वो अलग है, यानी कि सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं। नंबर पांच पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री देने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको पेड कोर्स में बहुत कुछ मिलने वाला है, हम आपको मैथ और डीआई के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको यह बताएंगे कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की, अभी ज्वाइन कीजिए हमारा पेड कोर्स, क्योंकि निमिजी नेट है तो जीआरएफ है।